हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास लेकर आए हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो आज हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो इतिहास में पढ़ना है वो हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या हुआ वो सबसे पहले देख लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। ठीक है, तो यूरोप आखिर है क्या? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरोप है क्या, तो यूरोप एक महाद्वीप है। आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें से एक यूरोप भी महाद्वीप है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिएगा कि ये एक कोई द्वीप है। ठीक है, यूरोप एक द्वीप है, इस तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, यूरोप हो गया ये एक। उसके बाद ये कहता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ कि देश के प्रति एकता। ठीक है, प्रेम। अगर कोई भी समुदाय के लोग जो उस राष्ट्र में रह रहे हैं, उस देश में रह रहे हैं, उनका जो सोच है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, वो क्या होना चाहिए? एक अच्छा सोच होना चाहिए, प्रेम का भावना होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र क्या हो, आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र का विकास हो, हमारे राष्ट्र में कुछ भी गलत काम ना हो, इस तरीके से भावना होना चाहिए। मतलब सामूहिक रूप से एक एकता होना चाहिए राष्ट्र के प्रति, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। और उदय, उदय मतलब शुरुआत। ठीक है, मतलब इस राष्ट्रवाद का शुरुआत और विकास। तो देखिए, हम अगर देखें यूरोप में लोगों की एकता, मतलब राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? सामूहिक लोगों की एकता का शुरुआत और विकास, मतलब उसको इस तरीके से हम लोग राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाए। ठीक है, आप इतना समझ गए टॉपिक का मतलब। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग कुछ थोड़ा यहाँ मैप से समझ लेते हैं, जो यहाँ जो लोग बनाए हैं कि इस चैप्टर में आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में किसका जिक्र किया है वो थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, आप ज़ूम कर लीजिए कि ये क्या है, यूरोप है। ठीक है, ये क्या है? यूरोप। यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद का भावना आया। ठीक है, वो एक देश है फ्रांस। ठीक है, ये मान लेते हैं कि क्या है फ्रांस। ठीक, फ्रांस क्यों बताया सबसे पहले? क्योंकि राष्ट्रवाद का भावना, मतलब राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो सबसे पहले फ्रांस में हुआ, इसलिए हम लोग। अब वो फ्रांस कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो यहाँ फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय कैसे हुआ, क्या वजह था राष्ट्रवाद उदय होने का, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है। तो देखिएगा हुआ क्या कि यहाँ पे एक हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसका विकास हुआ, वो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रांस में क्या हुआ कि निरंकुश शासक रहा था। निरंकुश मतलब इस तरीके से आपको समझा देते हैं, निरंकुश मतलब क्या? निरंकुश मतलब उस पे कोई भी अंकुश ना हो, कोई भी अंकुश ना हो, मतलब राजा का शासन हो, राजा का जो इच्छा करेगा वही करेगा, किसी को भी वो कोई भी सजा दे सकता, कभी भी किसी पे किसी को कुछ पदवी दे दे, किसी को कुछ पदवी दे दे अपनी इच्छा अनुसार। मतलब हम लोगों जो आम जनता है, आम जनता का कुछ भी नहीं सुनता। ठीक है, आम जनता के हित के लिए कोई भी काम पॉजिटिव वे में नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निरंकुश शासक। ठीक है, निरंकुश शासक का मतलब आप समझ गए, जो जनता के हितों में काम नहीं करता, अपना शासन चलाता है। ठीक है, मतलब राजशाही उसको बोल सकते हैं। तो निरंकुश शासन शासक यहाँ पे क्या कर रहा था? शासन कर रहा, मतलब राजा का शासन चल रहा। तो यहाँ पे राजा का शासन जब चल रहा था
तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन की बात है कि वहां के जो राजा थे वो ऑर्डर दे दिए रातों रात कि जितना फ्रांस में लोग हैं सब पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब गोली चलाने का आदेश दे दिया तो फ्रांस के लोग पहले से ही राजा से परेशान थे, और उसके बाद भी ये जो ऑर्डर मिला ये लोगों में पता चला कि राजा का आदेश है कि लोगों में गोली चलवा देने का आदेश है। तो अब ऐसा बात जब आई तो लोगों में ऐसा भावना आ गया कि एक तो हमारा ही राष्ट्र है, हम ही लोगों पे अत्याचार कर रहा है ये राजा। तो लोगों में एक भावना आया, क्या भावना आया कि नहीं इस राजा के प्रति, इस राजा के विरुद्ध हम क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और उसको यहां से भगाएंगे। तो यही सोच मतलब सभी लोगों का एक सामूहिक सोच आया अपने किसके प्रति, फ्रांस के प्रति। फ्रांस क्या एक देश है, तो देश के प्रति जब आया ये भावना तो इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जब ये आया तो आप जानते होंगे कि 1789 में क्रांति आया था जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रांस की क्रांति। तो 1789 में ये क्रांति आया था, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति को, बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। तो फ्रांस की क्रांति आया उसी समय की बात है जब लोग क्या हो गए, फ्रांस के लोग आक्रोशित हो गए। ठीक है कि हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हो, हम ही को परेशान कर रहे हो और मेरे पे ही सभी ऐसा काम कर रहे हो जो कि मतलब गोली चलवाने का आदेश दे रहे हो। ये वगैरह बहुत सारा ऐसा टैक्स था जो लगा दिया, क्योंकि राजा को युद्ध लड़ना था और जब राजा को युद्ध लड़ना था तो राजा पैसा कहाँ से लेगा। तो राजा पैसा लिया जो फ्रांस के लोग थे उस पे कर बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, खाने पे टैक्स बढ़ा दिया, सभी चीजों पे टैक्स लगा दिया। तो वहां के लोग जो थे परेशान हो गए थे। ठीक है, वहां के लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे उस राजा से। इसलिए ऐसा भावना आया सभी सभी लोगों में और इसी भावना को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना। और ये जब भावना आया तो ये क्रांति हुआ 1789 का क्रांति जिसको फ्रांस की क्रांति से बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि उस राजा के विरोध में एक क्रांति हुआ। क्रांति कौन किया, तो फ्रांस के सभी लोग क्रांति किया और उस राजा को उखाड़ फेंका मतलब हटा दिया। जब वहां से हटा दिया ठीक है तो वहां पे आम लोगों के पास आ गया सत्ता। ठीक है, मतलब जैसा हम लोग अब हमारे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, आम लोगों के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा आ गया है वहां पे सत्ता। उसके बाद क्या हुआ, देखिए जब ये फ्रांस में ऐसा बात हो रहा था, ऐसा क्रांति पनप रहा था, तो और सारे जो यूरोप है ना यहाँ पे जो महाद्वीप है, तो यूरोप में तो बहुत सारा देश है, तो ये सभी देश में क्या हो रहा था कि ये सूचना मिला कि आज फ्रांस में ऐसा काम हो रहा, तो लोगों को ऐसा लगा क्योंकि पूरा यूरोप में कौन सा शासन कर रहा था, निरंकुश शासन ही चल रहा था। ठीक है, तो पूरा यूरोप में फ्रांस का राज क्रांति देखते हुए, फ्रांस की क्रांति को देखते हुए लोगों में एक भावना आया कि नहीं हमको भी किस तरीके से लड़ाई करना है, हमको भी फ्रांस की तरह ही आजाद होना है, हम इस निरंकुश शासक को हम भी हटाएंगे। तो पूरे यूरोप में क्या हुआ, ये बात पनप गई। किसके वजह से, फ्रांस की वजह से, क्योंकि सबसे पहले कहाँ आया, फ्रांस में आया। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। अब देखिएगा यहां से, फ्रांस तो क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया, मतलब वहां पे निरंकुश शासन क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद भी ये बैठा नहीं रहा फ्रांस, फ्रांस तो भी खुश नहीं हुआ। तो फ्रांस क्या चाहा कि नहीं, जितना यूरोप है, यूरोप में जितना सारा देश है, यूरोप में जितना सारा देश है, सभी को हम निरंकुश शासन जो चल रहा था उसको हटाना है, सभी लोगों को क्या करना है, सभी देशों को इस शासन से, इस राजा का शासन से मुक्त करना है। तो लोग क्या हुआ, फ्रांस के लोग भी बाहर की ओर गए यूरोप में और सभी देशों में गए और ये बात को फैला दिए, ऐसा भावना ला दिए। अब देखिएगा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा, ऐसा पढ़े होंगे 9th में कि एक जैकोबिन क्लब का स्थापना हुआ था, पूरे यूरोप के विभिन्न राज्यों विभिन्न शहरों में हुआ था।
अब वो जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब था वही राष्ट्रवाद का भावना अपना विचार बताने के लिए एक विद्यार्थी और शिक्षित लोगों का क्लब था जिसमें लोग अपना विचार देते थे कि हमारा विचार ऐसा है। मतलब सभी कैसा विचार के लोग थे जैकोबिन क्लब में, सभी राष्ट्रवादी भावना का ही लोग उसमें सदस्य थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि किस तरीके से हमको पढ़ना है चैप्टर में इस यूरोप के बारे में। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का भावना कहाँ पे आया, सोच कहाँ पे आया, तो इस फ्रांस में आया, और इसी फ्रांस की वजह से लोगों में क्या हुआ कि भावना आ गया कि नहीं हमें भी फ्रांस की तरह बनना है। फ्रांस जिस तरीके से आज आजाद हो गया, वहां का राजा का जो शासन था वो खत्म हो गया, उसी तरीके से लोगों में भावना आ गया। ठीक है, पूरे यूरोप में। आइए अब हम लोग कुछ परिभाषा की तरफ से, मतलब परिभाषा के जरिए इसको समझते हैं। और अगर देखा जाए तो ये पूरा जो आज बताएं इस मानचित्र के माध्यम से, मतलब इस मैप के माध्यम से जो आपको बताए हैं, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब हम इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग राष्ट्रवाद की बात करें। अब राष्ट्रवाद हम आपको समझा चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, लेकिन अगर उसको हम परिभाषा के रूप में देखें तो किस तरीके से देख सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है, सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वाले में एकता की भावना का विकास होता है। मतलब एक भौगोलिक सीमा की बात करें तो कोई भी जगह है, जैसे हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी क्या है, एक भौगोलिक सीमा से घिरा हुआ है। अगर यही देश है और देश एक भौगोलिक सीमा से घिरा हुआ है तो क्या हो जाता है, देश में राष्ट्रवाद आ जाता है। ठीक है, अगर कोई क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र में बंधा हुआ है तो उसमें क्या आ जाता है, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद वहां पे कहला जाता है। तो देश के प्रति अगर बोला जाए तो अगर देश में अगर ये राष्ट्रवाद का भावना आता है तो उस राष्ट्र का राष्ट्र भावना बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब भौगोलिक सीमा में जो समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, उस समुदाय के लोगों के जो एक एकता है, एकजुटता है का जो भावना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यहां से देखिएगा वही बात यहाँ भी समझाया गया है कि समुदाय के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वाले में एकता की भावना। अब वहां पे सभी तरह के लोग वहां पे रहेंगे तो किसी भी तरीके से वहां पे राष्ट्रवाद का भावना आ सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। और राष्ट्रवाद का सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि देश के प्रति निष्ठा, प्रेम, मोहब्बत, ये बोल सकते हैं कि हम अपने राष्ट्र मतलब अपने देश को क्या करें, विकास के बारे में सोचें। और ये बात अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद का भावना धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं कि बहुत स्टार्टिंग में जब राष्ट्रवाद आया था तो एकाएक आ गया। धीरे धीरे कुछ लोगों में राष्ट्रवाद का भावना आया, वो किसी और को बताया, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, एक राष्ट्रवाद का उदय होने लगता है। वो हम लोग ऑलरेडी आपको यहाँ मैप के अकॉर्डिंग समझा दिए। अब देखिएगा राष्ट्रवाद का मेनली अगर विकास देखा जाए तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। देख सकते हैं कि जो 1789 का क्रांति हुआ वो कब, ये कौन सी शताब्दी अगर इसको बोलेंगे तो 1700 से ऊपर जो है उसको हम लोग 18वीं शताब्दी बोलते हैं। तो राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। जब हम देखेंगे कि यूरोप जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के बाद वहाँ पे ये बात आई, राष्ट्रवाद का भावना आया। तो इसीलिए दोनों मतलब राष्ट्रवाद की अगर बात करें, विकास यूरोप में कब आया तो आया 18वीं और 19वीं शताब्दी में आया। ठीक है, अब देखिए ये लाइन हमको आपको समझाने की जरूरत ऐसे नहीं है, ठीक है, कि इसका आरंभ फ्रांस की महान क्रांति, महान क्रांति मतलब कौन सा क्रांति, ये क्रांति फ्रांस की क्रांति, ठीक है, महान क्रांति से माना जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, शुरुआत हुआ, वो कहाँ से माना जा सकता है, 1789 के क्रांति से माना जा सकता है। ठीक, क्योंकि यूरोप में सबसे पहले क्रांति कहाँ आया,
फ्रांस में आया था, और वो कब आया वो भी आप लोगों को मालूम है। अब देखिए राष्ट्रवाद की भावना की बात करते हैं कि राष्ट्रवाद का भावना या फिर सोच कैसे आया, तो देखा जाए तो यहाँ सोच किस तरीके से पनपा, वो फ्रांस में पनपा था, किस तरीके से पनपा था वो आप लोगों को मालूम पड़ गया। लेकिन कुछ और यहाँ पे दार्शनिक मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसके बारे में बताए हैं कि राष्ट्रवाद इस तरीके से भी हो सकता है। अब जैसे कि अगर बात करें तो राष्ट्रवाद का धारणा भाषा के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है, धर्म के आधार पर भी उसका सोच आ सकता है, आवासीय मतलब जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी राष्ट्रवाद का भावना आ सकता, और बहुत सारा ऐसा है जिसके जरिए से राष्ट्रवाद का भावना आ सकता है लोगों में, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बताए हैं इसके बारे में, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कौन थे, अर्नेस्ट रेनर। देखिएगा ये ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन राष्ट्रवाद के बारे में एक नया परिभाषा दिए, तो वो कौन है, अर्नेस्ट रेनर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाएगा कि कहाँ के दार्शनिक है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या बताया, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी की एक नई और व्यापक परिभाषा दी है, कौन दी है परिभाषा, अर्नेस्ट रेनर ने, किसके बारे में दी है परिभाषा, राष्ट्रवादी के बारे में ये परिभाषा दी है, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो और कुछ लोग थे जो कुछ चित्रकारी के माध्यम से राष्ट्रवादी के बारे में बताए कि राष्ट्रवाद ऐसा हो सकता है, देखिए किस तरीके से राष्ट्रवाद की कल्पना कौन किए थे, कल्पना फ्रांसीसी कलाकार कौन थे, सारियुद, यहां से देखिएगा कौन है, सारियुद। तो सारियुद अगर आप देखिएगा कहीं पे चित्र देखिएगा, जब यूरोप का क्रांति देखिएगा तो किसी बुक में फिगर भी दिया हुआ रहता है, तो वो सारियुद का ही फिगर है, मतलब ये एक चित्रकला से समझाना चाहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। सारियुद ने भी की, मतलब राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सारियुद ने भी की है, किस तरीके से की है वो देखते हैं। इन्होंने एक कल्पनादर्श मतलब आप इस तरह कल्पनादर्श मतलब कल्पना कर सकते हैं कल के बारे में कि कल क्या होगा, ठीक है। कल्पना ऐसा भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग क्या कल्पना कीजिएगा, अगर आप ऐसा कहें कि कल्पना हम करते हैं कि कल से इंडिया में कोई बीमार ना पड़े तो कल्पना क्या असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो कल्पनादर्श मतलब आप समझिएगा कि कल्पना किया गया किसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, ठीक है। तो ही बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने कल्पनादर्श की रचना अपने चित्रों द्वारा की, तो एक चित्र के द्वारा वो बताए हैं कि राष्ट्रवाद का भावना लोगों में किस तरीके से आया, और लोग अपने चिन्ह जो झंडा बोल सकते हैं, झंडा अलग अलग देश का अपना झंडा लिए हुए उस फिगर में जो चित्र के बारे में ये बताए हैं, अलग अलग देश का झंडा अलग अलग पहनावा कपड़ों के माध्यम से मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि ये देश का राष्ट्र भावना अलग अलग तरीके से आया, तो वो चित्र के माध्यम से बताए, ठीक है। तो वो हम दो अभी देखे कि जो दार्शनिक थे, एक कलाकार थे फ्रांस के, वो भी राष्ट्रवाद के बारे में बताए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, अब यूरोप में मतलब यूरोप मतलब महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से आए ये आप यहाँ से भी समझ गए होंगे और यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, मतलब क्या कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से, तो फ्रांस की क्रांति से 1789 में जो क्रांति हुआ था उससे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति एवं नेपोलियन के, यहाँ से देखिएगा यहाँ नेपोलियन आ गया, नेपोलियन बहुत ही अच्छा शासक था फ्रांस में, कहीं था वो, ठीक है, नेपोलियन के विजयों ने बढ़ावा दिया, मतलब क्या हुआ थोड़ा सा इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। जब ये क्रांति हुआ 1789 में फ्रांस में, ठीक है, तो फ्रांस में जब क्रांति हुआ तो इससे पूरे यूरोप के लोगों में तो एक भावना ही गया कि हम फ्रांस के जैसा भी बनना चाहते हैं, फ्रांस जिस तरीके से आजाद हुआ हम भी आजाद होना चाहते हैं, यूरोप में जो भी सारे देश थे उन लोगों में ऐसा सोच आया।
लेकिन अब यहाँ क्या हुआ ना कि यहाँ तो स्वतंत्र हो गया था फ्रांस, तो जो फ्रांस स्वतंत्र हो गया था ना, तो ये क्या किया था कि फ्रांस के लोग जो थे, सेना जो था, मतलब लोगों की ही बात अपन करें, यहाँ के लोग यूरोप के अलग 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 देशों में जाकर वो राजवंश जो चल रहा था, निरंकुश शासन चल रहा था, उस पर क्या किया, उससे लड़ाई किए, ठीक है, और लड़ाई में जीते, तो उसी के बारे में हम बताया, नेपोलियन के विजयों ने बढ़ावा दिया, मतलब जब नेपोलियन लोग भी जब गए अदर कंट्री, मतलब अदर देश, यूरोप के अदर देश में गए और वहाँ पे निरंकुश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़े, तो उससे भी राष्ट्रीयता की भावना यूरोप में बढ़ी, तो इसी के बारे में इसमें बताया हुआ है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको आए कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से आई, तो आप आसानी से इसमें जितना लाइन में, 5 लाइन में तो आराम से लिख सकते हैं कि कहाँ से आया, फ्रांस की क्रांति से आया। अब देखिएगा, फ्रांस में राष्ट्रवाद, फ्रांस में राष्ट्रवाद भी हम यहाँ बता चुके हैं किस तरीके से आया, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद फिर से एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आया। देखिएगा, क्रांति के पहले, जब फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी, मतलब 1789 के पहले की बात है, जब क्रांति नहीं हुआ था, वहाँ कौन सा वंश था, बोर्बो राजवंश, मतलब एक वंश था जिसका नाम था बोर्बो राजवंश, ठीक है। वो राजवंश कैसा था, निरंकुश था, निरंकुश मतलब वही जो हम आपको बताएं जिसके कोई अंकुश ना हो, राजा का शासन हो वही शासन था, ठीक है। क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, लुई सोलहवां, मतलब लुई सोलहवां कौन था, वो राजवंश से था, ठीक है, मतलब यही निरंकुश शासन कर रहा था, कहां, फ्रांस की बात कर रहे, फ्रांस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ये पूरा कहानी आपको बताई थी कि जब यहाँ वहां पे राजा का शासन चल रहा था तो किस तरीके से राष्ट्रवाद का भावना उदय हुआ, आपको यहाँ ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखे हैं इसके बारे में। अब देखिएगा क्या हुआ, क्रांति के द्वारा, मतलब जो 1789 का क्रांति हुआ, तानाशाही को समाप्त कर दिया गया। तानाशाही मतलब वही निरंकुश की बात करें, तानाशाही का भी मतलब वही होता है, जैसे अभी अभी अगर बात करें, तानाशाही नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है वो अपने तरीके से वहाँ शासन करता है, ठीक है, राजशाही टाइप का वहाँ करता है, जो उसका इच्छा करता है वही करता है, ठीक है, तो वही तानाशाही की बात करें, निरंकुश शासन, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया लोग, उस क्रांति, कौन सा क्रांति, 1789 की क्रांति से ये क्या कर दिया, तानाशाही को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब जब समाप्त कर दिया तो लोग क्या किया, समाप्त हो गया मतलब नया संविधान का निर्माण हुआ, मतलब नए तरीके से फ्रांस को बनाया गया। तो नया तरीके से किस तरीके से बनाया गया, देखिए, नागरिकों को समान अधिकार पर बल दिया गया, नागरिकों को क्या दिया गया, समान अधिकार, मतलब लोगों, फ्रांस के जो लोग पहले बंधे हुए थे अब क्या हो गए, मुक्त हो गए और सभी का समान जो है वो अधिकार रूप में मिलने लगा, ठीक है। आज के बाद अगर देखें तो आप देख सकते हैं अपने ही देश में अगर देखें तो सभी का क्या समान अधिकार है, अगर हम कोई अदर स्टेट जाते हैं घूम सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई तरह का परेशानी आने, मतलब अधिकार क्या है, सभी नागरिक का समान। तो उसी तरीके से क्या हुआ, तो जो संविधान, मतलब वो जो तानाशाही हट गया, उसके बाद जो संविधान बना उसमें नागरिकों को समान अधिकार पर बल दिया गया, तो वहाँ के जो नागरिक थे उस पर समान अधिकार सभी को मिले, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो राजवंशी झंडा था, मतलब जो राजा पहले निरंकुश शासन जो कर रहा था उसका एक झंडा हुआ करता था, उस झंडा को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर क्या कर दिया गया, एक राष्ट्रध्वज के रूप में एक फ्रांसीसी झंडा बनाया गया, मतलब अब एक राष्ट्र के रूप में पूरे फ्रांस के बारे में, मतलब जिस तरीके से इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी एक क्या है, झंडा है हम लोगों का, और सभी इंडिया वाले उस झंडे को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हुआ कि जब वो राजा का झंडा खत्म हो गया तो अपना राष्ट्रध्वज बनाया गया, ठीक है। राष्ट्रध्वज देखिएगा तो वहाँ की भी, मतलब फ्रांस का भी राष्ट्रध्वज तिरंगा ही जैसा है, ठीक है, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रध्वज के रूप में फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, तो राजा का जो झंडा पहले था उसको खत्म कर दिया गया और क्या किया,
एक राष्ट्र के लिए ध्वज अपनाया गया और बहुत सारा यहाँ पे चेंजेस हुआ। जिस तरीके से अगर बात करें तो पहले क्या था कि बहुत जगह अलग अलग तरीके से फ्रेंच बोला जाता था, मतलब भाषा की बात करें तो अलग अलग तरीके से फ्रेंच बोला जाता था। तो ऐसा कानून आ गया वहाँ पे, ऐसे लोग मतलब कानून बनाए कि नहीं, जो पेरिस में फ्रेंच बोला जाता है वही फ्रेंच हर जगह बोला जाए, ठीक है। मतलब इस तरीके का सुधार हुआ और कुछ व्यापारिक में भी सुधार हुआ कि लोग क्या था, आंतरिक व्यापार जब करते थे तो आंतरिक व्यापार करते थे तो क्या होता था कि उनको टैक्स देना पड़ता था, एक शहर से दूसरे शहर से अगर व्यापार वो करते थे तो टैक्स देना पड़ता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया गया, ये सभी सारा चीज क्या हो गया, खत्म कर दिया गया। मतलब एक गणतंत्र बोल सकते हैं, गणतंत्र की तरफ फ्रांस बनने लगा। और यही जब गणतंत्र की तरफ फ्रांस बनने लगा तो पूरे यूरोप के लोग जो थे, यूरोप में जो अदर कंट्रीज है वो सभी जो आम पब्लिक है उनका भी विचार ये आने लगा कि हम भी फ्रांस के जैसा बनना चाहते हैं और फ्रांस के जैसा ही बनेंगे। तो इस सोच से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का सोच आने लगा और इसी राष्ट्रवाद का सोच को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के जो लोग थे वो विभिन्न देशों में पहुंच गए और वहां पे राष्ट्रवाद का भावना का उदय किया और विकास किया। तो जो भी अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, उसके पहले एक बात और बता देते हैं, यही राष्ट्रवाद के कारण आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण क्या है भैया, एकीकरण का मतलब क्या है, तो एकीकरण मतलब इटली पे बहुत राजा का शासन था, सभी क्या था 6-7 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, मतलब सभी अलग अलग शासन कर रहा था लोग, तो इटली 6-7 भागों में बटा हुआ था। तो यही राष्ट्रवाद का जब भावना आया तो यही राष्ट्रवाद का भावना वहां पे जो भी राजा शासन कर रहा था सभी को उखाड़ फेंका और इटली को एक कर दिया, तो इसी का नाम पड़ा इटली का एकीकरण। उसी तरीके से जर्मनी का भी, ठीक है। यानी अगर बात करें पूरे यूरोप में हम किसके बारे में देखेंगे, राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे पहले कहां पनपा आप जानते हैं, उसके बाद किस तरीके से पूरे यूरोप में पनपा वो भी आप लोगों को बता, फिर किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण होगा, इटली का एकीकरण होगा, ठीक है, सभी बारी बारी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसके बाद भी जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बारी बारी से ये सभी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत अगर बुक आप पढ़ेंगे तो अब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, आप लोग थोड़ा पढ़िएगा जरूर।